नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है अगले पेपर के लिए देखा जाए। आज आईआरटी का पेपर का सलूशन हम करेंगे। तो देखिए, प्रश्न है अपने स्क्रीन पर, 1 + tan A × 1 + tan B = 2 हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा। हालांकि आप पीछे इसको सॉल्व किए थे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 1 + tan A, तो इसको गुणा कर दें तो 1 + tan A × 1 + tan B = 2। गुणा कर दें 1 + tan A + tan B, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan A × tan B = 2। अब ये जो है ये और ये उधर चला जाए और tan A + tan B यहीं पर आ जाए तो 2 - 1 - tan A × tan B हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 1 - tan A × tan B, यहाँ पर हो जाएगा tan A + tan B। अब इधर भी 1 - tan A × tan B से भाग देते हैं, इधर भी 1 - tan A × tan B से भाग देते हैं, तो 1 हो गया कट कर, और ये tan A + B का फार्मूला हो गया तो tan A + B = हो जाएगा इधर tan 45°, इसका मतलब A + B = 45°। क्लियर है? हालांकि आप सब इससे पहले ही जानते हो कि tan 45° होता है, इसी का सलूशन किया गया था, ठीक है। अभी पीछे पॉलिटेक्निक का पेपर सॉल्व हो रहा था। तो चलिए अब आगे देखा जाए, यहाँ पर कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक हवाई जहाज उससे कम ऊंचाई पर उड़ते हुए एक दूसरे जहाज के ऊर्ध्वाधर ऊपर से गुजरता है। उस क्षण पृथ्वी पर स्थित एक प्रेक्षण बिंदु से देखने पर उनके उन्नयन कोण क्रमशः 45° तथा 30° पाए गए। दूसरे जहाज की ऊंचाई क्या होगी? कहा जा रहा है एक जहाज ए पर है, ठीक है, जो 1 किलोमीटर की उस ऊंचाई पर है तो 1000 मीटर है, और इसके ठीक ऊपर जो है यहाँ पर कोई बी है, और यहाँ पर प्रेक्षण कोई है पी बिंदु पर, और यहाँ पर देखता है तो इसका उन्नयन कोण और इसका उन्नयन कोण, दोनों का उन्नयन कोण क्रमशः 45° और 30°, यानी इसका 45° देखा जाता है और इसका जगह देखा जाता है 30°, ठीक है। तो इसकी ये तो 1000 मीटर की ऊंचाई है, इसको मान लेते हैं h है, ठीक है, स्मॉल h, तो और ये x है, तो tan 30° हम लिखेंगे 1000/x, 1/√3, तो x बराबर हो जाएगा 1000 × √3, क्योंकि इसका मान तो 1/√3 है, तो x बराबर आ गया। अब tan 45° लिखेंगे कि h + 1000/, नीचे लिख देंगे x, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज x बराबर लिखेंगे h + 1000, क्यों, और x का मान है कितना, तो 1000, यानी h बराबर हो जाएगा x - 1000, और x का मान है 1000√3 और -1000 h का, ये जो इधर गया 1000 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1, तो ये √3 - 1, अब ये 1000 × √3 का 1.732 - 1, तो ये 0.732 में गुणा कर दें, ये 732 मीटर हो जाएगा, तो 732। अब यहाँ पर h की वैल्यू आ गया, किसकी वैल्यू आ गया, 1.732 में से 1 घटा दिया जाए, क्यों, तो ये कितना हो जाएगा √3, 1000 का गुणा कर दिया जाए तो 732 मीटर लगा एच बराबर, ठीक है। अब 762 समथिंग दिया है तो यही आएगा 700, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखा जाए,
रेखाओं y माइनस रूट थ्री एक्स माइनस एट बराबर जीरो और x माइनस रूट थ्री वाई प्लस सेवन बराबर जीरो के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ से y बराबर y माइनस रूट थ्री एक्स माइनस एट बराबर जीरो, इसकी प्रवणता m1 है तो ये हो जाएगा tan 30 अंश, m बराबर रूट थ्री तो tan 60 अंश हो गया, तो थीटा वन बराबर 60 अंश हो गया और ये x माइनस रूट थ्री वाई रूट थ्री वाई प्लस सेवन बराबर जीरो, तो इसकी प्रवणता m है तो ये हो जाएगा कितना वन अपान रूट थ्री, तो ये हो जाएगा tan 30 अंश, तो यहाँ पर थीटा आ गया 30 अंश थीटा टू, ठीक है, और ये थीटा वन है 60 अंश, तो इसका मतलब थीटा वन माइनस थीटा टू यही हो जाएगा फाइव और ये हो जाएगा 60 माइनस 30 बराबर कितना 30, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखा जाए, कहा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घन में से बड़ा जो शंकु काटा जा सकता है उसका आयतन, तो अभी पिछले दिनों ही बताया गया था कि ये घन है, ये क्या है घन, और इस घन से जो है हमें काटना है शंकु, तो शंकु जो काटा जाएगा वो ऐसे होगा इस तरह, तो इस शंकु की जो त्रिज्या होगी वो घन 12 सेंटीमीटर लंबी भुजा है तो h बराबर 12 सेंटीमीटर और r इसका आधा हो जाएगा तो 6 सेंटीमीटर, तो आयतन पूछा गया है तो 1/3 पाई r स्क्वायर 6 का स्क्वायर इंटू h, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई गुड़े 36 गुड़े 12, ये हो जाएगा 12, 12 बार नहीं हम 144 पाई, 144 पाई, ठीक है, क्लियर। अब अगला देखा जाए, दूध का भाव 20% बढ़ गया, एक समझदार परिवार का प्रयोग की जाने वाली मात्रा में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, तो खर्च बराबर होता है मात्रा गुणे दर, ठीक है। तो अब मात्रा में पूछा जा रहा है तो ये तो खर्च ए अपान आर हो जाएगा, तो ए इंटू आर पर माइनस वन, तो ए कांस्टेंट हट जाता है, तो एम के लिए प्रसिद्ध फार्मूला बनता है 1 + r/100 - 1 - 1 × 100। तो अब इसे हम रख दें आर का मान, तो एम बराबर एम प्रसिद्ध बराबर हो जाएगा ये 1 20% बढ़ गया तो 1 + 20/100 - 1 - 1 × 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 20 5 100 5 + 5 6/5, तो ये माइनस है, जब ये प्लस होगा तो 5/6 - 1 × 100, ठीक है, तो ये 6 तो -1/6 × 100, तो ये हो जाएगा 3 × 6 और ये 50, तो 2 × 3 = 6 और ये 50, तो 50/3, तो माइनस आ गया ना, हम भाग देते हैं तो 16/2/3%, तो 16/2/3% की कमी होगा, माइनस का मतलब कमी, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए, दिया गया है कि लॉग ऑफ यहाँ x प्लस वन है यहाँ 10 है और माइनस लॉग ऑफ यहाँ पर है x माइनस वन और यहाँ 10 बराबर 1, तो x का मान, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ x प्लस वन अपान x माइनस वन बराबर 1, तो ये 10 है तो इसका मतलब x प्लस वन अपान x माइनस वन बराबर 10, तो इसका गुणा कर दें तो x प्लस वन बराबर हो जाएगा 10x - 10, ठीक है, तो उधर चला जाएगा तो 9x हो जाएगा, इधर 11 तो 9x बराबर हो जाएगा 11, तो x बराबर हो जाएगा 11/9, 11/9, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखा जाए, तो दस मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे कमरे में जो अधिकतम लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो डायगोनल विकर्ण की लंबाई अंडर रूट l² + b² + h² तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10² + 8² + 6² ये हो जाएगा 10² 8² 64
और ये भी 10 का स्क्वायर 100, तो ये 10√2 हो जाएगा, तो 10√2। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए। कहा जा रहा है कि m का वह मान जिसके लिए mx² + mx + m + 1 = 0 के मूल बराबर हो, तो m का मान ज्ञात करना है, तो b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर हम रखेंगे b के जगह पर क्या है, m। ठीक है, तो m² - 4, a के जगह पर m, ठीक है, और c के जगह पर m + 1 = 0। तो चलिए m² - 4m² और इसका गुणा होगा तो -4m = 0। ठीक है, तो अब 4m, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -3m² हो जाएगा और -4m = 0। तो m कॉमन ले लिया जाए, तो m कॉमन ले लेंगे तो ये 3m - 4 = 0। तो m बराबर हो जाएगा क्या, 0। ठीक है, तो m = 0 या फिर -4/3, -4/3। ठीक है, तो 0 या तो 4/3, तो m तो 0 होगा नहीं, तो 4/3 क्लियर है, -4/3 प्लस नहीं माइनस हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। कह रहा है कि व्यंजक x² - 1, तो ये हो जाएगा x - 1 और x+1 और x³+1 का x+1 और यहाँ हो जाएगा x² और -x+1 और x³ - 1। इसका जगह x - 1 और इसमें x² + x+1 का LCM पूछा जा रहा है। LCM, तो LCM का मतलब सब लिख देना है, तो जब ये दोनों लिखेंगे, ये दोनों, तो ये दोनों आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो ये दोनों ही लिखना है। इसका मतलब ये है कि ये लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें, ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो x³ - 1 × x³+1 ये गुणा कर तो x^6 - 1, तो यहाँ देखिए x^6 - 1 ये दिया है, क्लियर है। अगला नंबर देखिए, x = 12, y = 8, z = -20 हो तो x³ + y³ + z³ का मान होगा। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि x³ + y³ + z³ का मान, जबकि x = 12, y = 8, तो हम देखें कि x + y + z = 0 हो जाएगा, 12 + 8 = 20 - 20 = 0, तो x³ + y³ + z³ = 3xyz होगा। मान रख दिया जाए 3x, x का मान है 12, y का मान है 8, z का मान है -20, क्यों, तो ये हो जाएगा 12 × 8 = 96 और 96 में 9 का गुणा कर दें, 3 का गुणा, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, ये गुणे -20, ये हो जाएगा 0 और 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 17, 2 × 4 = 5। ठीक है, तो हो गया -5760। क्लियर, आइए आगे देखा जाए। दिया गया है कि a टू द पावर x और यहाँ पर a टू द पावर y, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x - y और गुड़े 1/xy, ऐसे हम पहले करें, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा कर दें तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1/y - 1/x। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक इसी तरह, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो a टू द पावर हो जाएगा 1/z - 1/y, ठीक है, और इनटू इसको सॉल्व करेंगे तो a टू द पावर 1/z - 1/x हो जाएगा। ठीक है, 1/x - 1/z, 1/x - 1/z। अब a लिख दें और पावर लिख दें 1/y - 1/x + 1/z - 1/y और +1/x - 1/z, सब कट जाएगा, तो a टू द पावर 0 और इसको मान 1, a टू द पावर 0 का मान 1, तो देख लीजिए कहीं दिया है,
एट द पावर जीरो, इसका मान वन, इसमें कहीं नहीं दिया है। ठीक है, तो जब कहीं दिया ही नहीं है तो हटा देंगे, इनमें से कोई नहीं, समझ लीजिए। यहाँ x माइनस वाई होगा, यहाँ y माइनस जेड, यहाँ z माइनस x होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई में जब x y का गुणा करेंगे नीचे, तो x x कटेगा तो y माइनस वन अपान एक्स, इसी तरह ये कटेगा तो जीरो, इनमें से कोई नहीं, हो गया। अगला नंबर देखा जाए, दिया गया है कि संबंध इतने बराबर 16 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो चलिए ए का मान निकाला जाए। तो दिया गया है यहाँ पर कि 4 to the power, देखिए यहाँ दिया है 4 to the power 0.75, तो इसको लिख दें 3/4, क्लियर। और नीचे 8 to the power -1/4, ठीक है, और गुड़े यहाँ पर 32 को लिख दें 2 to the power 5, और इस पर पावर है 1/2.5, और यहाँ 16 है, 16 तो 16 to the power a है, 16 to the power क्या है, a, तो यहाँ पर 2 to the power 4 a लिख दें। ठीक है, और बराबर क्या है 16, तो a का मान ज्ञात करना है। चलिए अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, दिस इम्प्लाई, अब यहाँ 2/2 तो 2/2, तो ये हो जाएगा 3/2 यहाँ पर, और माइनस है, जब ऊपर जाएगा तो 1, और 2/3 तो 3/4, तो प्लस 3/4। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 2 ये 5/2 प्लस 5/2, और ये 2/4 है, 2 ये कितना घात है 4a, ये a है, तो माइनस 4a, ठीक है, माइनस 4a बराबर 2 to the power 16 को लेते 2 to the power 4। ठीक है, अब इसका मतलब इसको जोड़ दिया जाए तो ये 6/4 कर दें, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, 6/4 तो 6/4 और 3/4 9/4, और प्लस 5/2 तो इसको 10/4 लिख दें, क्यों, तो देखिए 6, 3, 9, 10, 19/4, तो यहाँ पर लिख दें 19/4 माइनस 4a बराबर 2 to the power 4 का मतलब 4। ठीक है, तो माइनस 4a, 4a उधर चला जाएगा, तो 19/4 - 4 तो ये 3/4, तो a बराबर जाएगा -3/16, देखिए -3/16 दिया गया है, क्लियर है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, सब हो जाएगा, हो गया। अगला नंबर देखा जाए कि दिया गया है कि एक पंप एक टंकी को 4 में भर सकता है, टंकी के क्षरण के कारण वह 4.5 में भरती है, तो क्षरण से पूरी टंकी कितने समय में खाली होगा। ठीक है, पूरी टंकी कितने समय में खाली होगा, ये पूछा गया है। तो चलिए अब ये पता है कि अकेले ए जो है भर सकता है 4 में, तो 1/a = 1/4, दोनों मिलकर तो 1/a और -1/b, क्योंकि खाली कर रहा है ना, क्षरण का मतलब खाली कर रहा है, बराबर 4.5, 4 × 8 = 9/2, तो ये 2/9 हो जाएगा, क्लियर। तो अब देखिए 1/a की जगह पर 1/4 रख दें, तो 1/4 -1/b बराबर 2/9, दिस इम्प्लाइज 1/b, बी उधर चला जाएगा, बराबर 1/4 - 2/9। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा इधर, ठीक है, तो 1/b माइनस यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 9 - 4×8/9, 9 × 36, 36 तो बी बराबर आ गया क्या 36। ठीक है, तो b बराबर 36, तो 36 में तो लगा लीजिएगा, 36 में खाली कर देगा, भरी हुई टंकी को 36 में खाली कर देगा, क्लियर। अगला नंबर देखा जाए कि हरी
कृष्ण तथा गोविंद एक कार्य को क्रमशः 60, 45 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक कार्य को मिलकर करते हैं और उन्हें 5200 रुपया मिलते हैं। गोविंद का धन कितना होगा? तो जो धन होता है M1 संबंधे, M2 संबंधे, M3 ये होता है 1/D1 संबंधे, 1/D2 संबंधे, 1/D3। तो ये है 60, 45 और 30। तो 1/60, 1/45 और 1/30, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है 180 से गुणा कर दें तो 3 बार, ये 4 बार और ये हो जाएगा 6। तो 3 संबंध 4 संबंध 6 के अनुपात में मिलेगा। तो पूछा गया है गोविंद को, तो हरे कृष्ण गोविंद, गोविंद को कितना मिल रहा है? 6 भाग। तो गोविंद को मिला भाग, गोविंद को मिला भाग जो हो जाएगा 5200 टोटल है और इसका 6 भाग मिल रहा है। तो 6 बटा 6, 4 10 3 13, 13 4 52, 400 × 6 तो 2400 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 2400 मिलेगा, गोविंद को 2400 मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। दो स्टेशन 150 किलोमीटर दूर हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर जाती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाती। रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगा? 150 किलोमीटर दूर है, यानी ए ये है और बी ये है और इनके बीच का दूरी है 150 किलोमीटर, ठीक है। और कहा जा रहा है कि भी चाल से चलता तो अपने समय से पहुंच जाता, ठीक है। तो भी चाल से चल रहा है लेकिन जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलता है तो हम समय लगेगा कितना? टी। तो टी बराबर 150 बटा भी। लेकिन अब ये टी डैश लग रहा है कब? जब वो 5 किलोमीटर अधिक से चलता है। इसका मतलब ये है कि 150 बटा भी प्लस 5। तो अब यह जो है 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो टी डैश माइनस टी, तो टी डैश टी माइनस टी डैश बराबर 1। इसी को सॉल्व कर दें तो 150 बटा भी और माइनस 150 बटा भी प्लस 5 बराबर 1। अब सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर 150, ठीक है, 150 भी और माइनस 150 भी प्लस 15 × 5 = 75, 750 माइनस 150 भी बराबर, ये भी का गुणा हो जाएगा तो भी स्क्वायर प्लस 5 भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 150 भी 150 भी कैंसिल हो जाएगा तो भी स्क्वायर प्लस 5 भी, यानी फार्मूला आ गया क्या, भी स्क्वायर प्लस 5 भी और −750 = 0। अब इसको हमें सॉल्व करके भी का मान निकालना है। तो 750 माइनस है तो प्लस माइनस, तो अब यहाँ पर क्या है कि 5 भी है, यहाँ पर क्या है 5 भी, ठीक है। और 750 का फैक्टर करना है तो 750 का हम फैक्टर करें ताकि जो है ये आ जाए 5, ठीक है। तो चलिए किया जाए तो क्या हो सकता है, 25 × 3 तो 30 हो जाएगा, 25 × 30 कर दिया जाए, क्यों तो 25 × 30 ये लिखा जा सकता है। तो अब इसमें हम लिख दें v² + 30 v - 25 v और −750 = 0। तो v कामन ले लेंगे तो v + 30 - 25 कामन लेंगे तो v + 30 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो भी का मान -30 आएगा या तो भी का मान 25 आएगा, तो माइनस तो हटा देंगे तो भी का मान 25। इसका मतलब कौन सा सही? 25 सही होगा, क्लियर है, आगे निकला जाए। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर कह रहा है कि 5000 रुपये का दो वर्ष 4 माह में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज होगा, ठीक है। तो 2 वर्ष कितने महीना? 2 वर्ष 4 माह, तो चलिए 2 वर्ष और 4 माह, तो 4 माह को वर्ष में बदल दे 4/12, 1/3, तो ये तो 2 सही 1/3 आ गया। तो ए पहले निकाल लें तो ये 5000 है,
वन प्लस 8/100^2 और यहाँ 1+8/100 × 1/3 बस एक का मान निकल जाएगा 5000 × ये 4 × 8 ये 25 × 27/25 × 27/25 और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 8 ये 25 ठीक है 25 × 75 × 2 = 77 तो 77/25 ठीक है 25 × 75 ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो ये 25 × 50 = 200 ठीक है। अब इसको गुणा कर दें कि 8 × 27 × 27 × 77 और पूरे का 75 तो जल्दी से सॉल्व करिए इसे जल्दी से निकालिए देखिए कितना आता है। जल्दी से निकाली तो ए का मान आएगा ना अभी तो यहाँ से संभवतः आएगा 5952 तो ए आ गया। सी आई निकालना है तो ए माइनस पी तो 5952 - 5000 तो ये हो जाएगा 987.52 जो भी आएगा उसमें से 5000 घटाएंगे तभी चक्रवृद्धि ब्याज आएगा हो जाएगा। चलिए आगे निकला जाए चलिए हम देखा जाए कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो बताइए कि वह धन कितने समय में अपने का 8 गुना हो जाता है 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो टी बराबर 4 × 5 = 2 ठीक है तो 8 गुना कैपिटल एन बराबर 8 इसका मतलब n^x = 8 तो n यानी 2^x = 2^3 तो x बराबर कितना 3 तो कैपिटल t = t × x तो 4 वर्ष है तो 4 × 3 कई वर्ष 12 वर्ष 12 वर्ष में ठीक है। चलिए हो गया अगला देखा जाए। एक व्यक्ति एक बैंक आवर्ती खाते में 200 रुपये प्रतिमाह जमा करता है तथा 9% वार्षिक दर से ब्याज पाता है वह वर्ष के पश्चात परिपक्व राशि क्या होगा उसके तो 200 रुपये प्रतिमाह जमा करता है तो पहले महीने में 200 रुपये का ब्याज मिलेगा दूसरे पर वो 400 हो जाएगा तीसरे पर 600 हो जाएगा चौथे में 800 हो जाएगा पाँचवें में 1000 रुपया उसके बाद 1200 होगा फिर 1400 होगा फिर 1600 होगा फिर 1800 होगा फिर 2000 होगा फिर 2200 होगा फिर 2400 होगा तो 2400 रुपया तक तो उसने जमा करके अपने ही कर लिया। अब एक एक महीने का जो ब्याज वाली राशि यही है तो अब इसको हम जोड़ दें तो 200 का अमन ले लें 1+2+3+... 12 तक होगा तो 200 और 1 से 12 तक जोड़ेंगे तो 12 × 13/2 होता है 2 × 6 = 12 × 13/6 = 78 तो 200 × 78 इतना तो पी हो गया ना तो आई जब निकालते हैं तो p×r×t/100 ठीक है तो पी के जगह पर है 200 पी के जगह पर 200 × 78 × r r है कै परसेंट तो 9% 9 और
एक महीना का 1/12 लिख दें और पूरे का 100 जीरो जीरो कट गया, क्यों? तो ये 2 × 12, 3 × 6 तीन तिलके 9 और 2 × 8 4 × 3 12, तो ये कितना आ गया, सॉरी यहाँ 78 था ना, यहाँ 78 है, तो यहाँ पे 2 से कटा 2 × 12, फिर 3 से कटा 3 × 6 तीन तिलके 9 3, ठीक है, फिर 2 बचा 2 से ये 78 कटेगा तो आएगा 39, संभवतः 39 आ गया। 39 में 3 का गुणा होगा, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27 और 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 11, 117 रुपये। तो 117 रुपये ये और 2400 ये, तो 2517 रुपये, तो 2517 जहाँ पर होगा वो सही होगा, तो 2517 ये दिख रहा है तो ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि तो ब्याज के रूप में 117 रुपये मिलेगा, 2400 रुपये तो वो जमा ही कर लिया है, तो टोटल परिपक्व राशि हो जाएगा ब्याज सहित, हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए, कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है ABCD को कोण ABC बराबर 54° है, यदि BC तथा AD समांतर है तो कोण BCD का मान बताइए। चलिए कहा जा रहा है कि एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज ABCD है ये, ठीक है, समलंब चतुर्भुज ABCD है, कोण ABC 54° है, यदि BC और AD समांतर है, BC और AD समांतर है, जैसे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ऐसा है कि ये और ये समांतर है, ठीक है, और कोण ABC 54° ABC ये है 54°, ये 54° है, तो कोण BCD ये पूछा गया है, ठीक है। अब ये है कि ये दोनों के दोनों जो है ये और ये समांतर हैं, जब समांतर है तो तिर्यक रेखा काटेगी, तो ये 54° है तो ये भी क्या होगा 54°, जब ये 54° है तो ये भी तो 54° ही होगा, क्योंकि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके बाह्य कोण संगत कोण को छोड़कर समूह कोण के बराबर, यानी ये थीटा तो ये थीटा, उसी तरह जब ये 54° है तो ये भी कितना होगा 54° ही होगा, क्लियर है। चलिए अगला नंबर देखा जाए, एक केंद्र पर 2 वृत्त बनाए गए हैं, इनमें से 26 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की 24 सेंटीमीटर जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो छोटे वृत्त का व्यास होगा। कहा जा रहा है कि एक ही केंद्र से 2 वृत्त ऐसे बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और 26 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की 24 सेंटीमीटर लंबी छोटी जीवा है, ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, 26 सेंटीमीटर व्यास है इसका, त्रिज्या कितना 13, स्पर्श करता है तो स्पर्श बिंदु M है, तो इधर हो जाएगा 13, इधर हो जाएगा 13, क्यों बोलिए, 24 है तो सॉरी ये 12 होगा, ये 12 हुआ, ये 13 हो गया, तो ये कितना होगा 5 होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तो 5 हो गया, तो त्रिज्या हो गया 5, तो 5 ऊपर, तो व्यास कितना हो जाएगा 10, तो 10 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए, एक वृत्त के केंद्र पर उस वृत्त की किसी चाप द्वारा बना कोण तथा शेष परिधि पर बने कोण के अनुपात होते हैं, एक वृत्त के केंद्र पर, तो कह रहा है कि इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये और परिधि पर बना कोण ये, तो ये थीटा होता है, ये 2θ होता है ना, क्यों, तो कह रहा है कि चाप द्वारा बना कोण किस पर, किसी चाप द्वारा बना केंद्र पर उस वृत्त के किसी चाप द्वारा बना कोण और परिधि पर बना कोण, तो ये पहले और ये बाद में, तो 2 × 1 2 × 1 क्योंकि केंद्र पर बना कोण पहले कह रहा है। अगला कह रहा है कि एक त्रिभुज के 2 शीर्ष 8, 1 तथा 4, 6 हैं, यदि त्रिभुज का केंद्र 10, 6 हो तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक होगा,
कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो शीर्ष दिया गया है। ये त्रिभुज है, ये 8-1 है, ये 4-6 है, और केंद्र कह रहा है कि ये केंद्र है जो 10-6 है, यहाँ x और y। तो इसको 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 जोड़ दें तो x प्लस 8 प्लस 4 बटा 3 बराबर 10, तो x प्लस 12, 10 यही 30 हो जाएगा ना, इसका गुणा होगा तो x बराबर 30 माइनस 12, तो ये कितना आ गया 18, x का मान 18 आ गया। उसी तरह y प्लस 1 प्लस 6 बाई 3 बराबर 6, 3 6 18, 18 में से 7 जाएगा, तो y बराबर 18 माइनस 7 बराबर 11, तो 18 कमा 11 सी हो गया। क्लियर। अगला है, मूल बिंदु से उस रेखा की लंब दूरी P है जो अक्षों से A तथा B अंतःखंड काटती है, तब ये संबंध होगा। अभी पिछले दिनों ही बताया गया था, देखिए कि पॉलिटेक्निक और IELTS, इसीलिए कहा जाता है कि सभी पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। पॉलिटेक्निक में जो पेपर आया है, क्वेश्चन आया है, अब वही देखिए IELTS में आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि ये पिछले दिनों बताया गया था कि यहाँ से जब इस पर लंब डाला जाए और ये P हो और ये A हो और ये B हो, तो ये बताया गया कि 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/p², तो इसमें लगा लीजिए जल्दी से कौन सा होगा, हो गया। चलिए अगला देखा जाए कि कह रहा है के के किस मान के लिए, ठीक है, के के सभी मानों के लिए सरल रेखा ये और ये एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है। देखिए जब दो रेखा हो, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये हो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इन रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इससे होकर जाने वाली किसी भी रेखा का समीकरण अगर निकालना है, कोई भी रेखा, तो ये रेखा और ये रेखा, दो रेखा जब पता है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 और प्लस यहाँ लेमडा कर दें, यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो ये लेमडा स्वतंत्र है, क्या है, स्वतंत्र पद है। तो इसी तरह कह रहा है कि ये लेमडा जो है के जो है स्वतंत्र है, तो ये किस बिंदु से होकर जाएगा, इसका मतलब इस और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु से जाएगा, तो प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों रेखाओं का निकाल लें, यानी 5x प्लस y माइनस 11 बराबर 0 और एक रेखा हो गया 2x माइनस 7y प्लस 3 बराबर 0। अब इसी को सॉल्व करके x का मान निकाल लें या सीधे ये दोनों बिंदु इस पे रख देते हैं। चलिए रख देते हैं, एक रख देते हैं इसमें और माइनस 2 रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना 5 और माइनस 2, माइनस 11 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, 2 और माइनस 1 रख देते हैं, चलिए 2 रख दिए, 2 5 10 क्यों, और माइनस 1, ये 10 माइनस 1 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 10 माइनस 1 तो 9, माइनस 11 0 होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसको रख देते हैं माइनस 2, तो माइनस 10 और प्लस 1 माइनस 11 क्यों, माइनस 2 यहाँ पर है, 2 माइनस 2 और 1, तो माइनस 2 और 1 रखा गया तो भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी नहीं है, तो बचा चौथा ही तो सही होगा। तो अब देख लेते हैं, रखकर 2 5 6 10 10 11 11 0 यहाँ पर रखेंगे तो 2 2 9 4 और 3 7 7 0, इसका मतलब ये सही है, ठीक है, तुरंत रखकर संतुष्ट करा दीजिएगा, या तो सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकाल लीजिएगा, कुछ भी हो सकता है, वज्रगुण विधि से सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए अगला है कि रेखा इतने और इतने के अक्षों के बीच वाले भाग की लंबार्धक का समीकरण होगा, तो दिया है कि 3x प्लस 2y बराबर 12, ये भी सॉल्व किया गया था, x को ढक दें तो y का मान कितना 6, तो ऊपर हो जाएगा 6 यहाँ पे, तो 0 6 होगा, और जब y को ढक दें तो x का मान 4, तो यहाँ पे हो गया 4 0, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0 4 तो 2 और 6 2 तो 3 2 3, मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया, और इस पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, जो कि इससे होकर जाए 2 3 से, तो इस पर लंब रेखा का समीकरण हो जाएगा क्या, 2x माइनस 3y बराबर, यहाँ लिख दें 2 × 2 और माइनस 3 × 3, तो 2x माइनस 3y बराबर
ये 4 माइनस 9, 2x माइनस 3y बराबर, ये कितना -5, 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। क्लियर हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। कहा जा रहा है कि एक वृत्त की दो जीवाएं जो केंद्र के एक ही ओर हैं, 5 तथा 11 सेंटीमीटर लंबी हैं, उनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अगर वृत्त की दो जीवाएं केंद्र के एक ही ओर 5 तथा 11 सेंटीमीटर लंबी हैं, ये वृत्त है केंद्र के एक ही ओर 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं हैं, उनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच की दूरी जो है ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो ये त्रिज्या आर है, तो ये भी तो आर ही होगा, क्यों 11 था तो 11/2 हो गया ये, और ये 5/2 हो गया। तो चलिए ये 5/2 है, 11/2 है, तो मान लिया जाए कि ये क्या है, x, क्या है x। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस ये 11/2 का स्क्वायर कर दें, और यहाँ से आर स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर कर दें और प्लस 5/2 का स्क्वायर कर दिया जाए, क्यों। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लें, तो ये घटा दें, घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक्स का मान निकल जाएगा, तो चलिए देखा जाए, इधर तो 0 हो गया, इधर एक्स स्क्वायर माइनस इसको एक्स स्क्वायर प्लस ये 121/4 और माइनस इसको हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x और माइनस 25/4। तो अब देखिए माइनस से गुणा कर दें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्यों, और ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 121/4 यहाँ प्लस है, यहाँ 25/4 है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 9 है, और माइनस जो 6x था तो ये माइनस 6x हो जाएगा, तो इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, तो 6x बराबर हो जाएगा 121 और 25, 121 में 25 चला जाए, ठीक है, तो ये 96 हो जाएगा, 96/4, 121 में से 25 निकलेगा तो 96 हो जाएगा, 96/4, और ये माइनस 9, तो 9 चौके 36, तो 96 - 36/4 तो 0, और ये 60/4 तो ये 15 आ गया, क्या 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/6, तो x का मान हो गया 15/6, तो 3 × 6 = 6, 3 × 5 = 15, 5/2, जब x का मान 5/2 हो गया तो यहीं पर रख देते हैं x स्क्वायर की जगह पर, तो x स्क्वायर की जगह पर 25/4 रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा 25/4, और ये प्लस 121/4, तो जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा 146/4, यही तो होगा रूट, तो ये r हो गया, रूट में कर दें तो 146/4, तो अब 146 है तो 4 से देखिए कट जाता है, नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है कुछ प्रश्नों को, 25 प्रश्नों को, 26 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, कल इसके शेष प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ठीक इसी समय कल मुलाकात होगी, जो भी दोस्त तैयार हैं उनको बता दीजिए कि रिवीजन चल रहा है, और जितने भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो इसमें ये इसमें जो है आंसर नहीं दिया है, तो आंसर बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कल मुलाकात होगी पुनः ठीक इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।